इससे पहले वो संगरिया गई थी जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया था और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ उन्होंने लाभार्थियों से भी फीडबैक लिया था कि क्या योजनाओं का सही लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि सिर्फ झूठे वादे किए गए जनता से और पिछले 50 सालों से कोई भी काम नहीं किया गया। और चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। राजस्थान जैन युवा महासभा की ओर से शनिवार को जयपुर स्थित भट्टारक जी की नसिया में जनसंपर्क आयुक्त रवि जैन का सम्मान किया गया। इस मौके पर महासभा के पदाधिकारियों ने रवि जैन को शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र और प्रभु महावीर स्वामी की तस्वीर भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम में IPS डॉक्टर राहुल जैन, IPS प्रीति जैन, पर्सनैलिटी डेवलपर, मोटिवेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड विजेता सौरभ जैन को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजस्थान जैन युवा महासभा की नवगठित जोन शाखाओं का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुधांशु कासलीवाल रहे और समारोह की अध्यक्षता नंद किशोर और प्रमोद पहाड़िया ने की। वहीं से पहले गौरव यात्रा के दौरान श्रीगंगानगर में सीएम वसुंधरा राजे ने शहर की सफाई और सड़कों की बदहाली पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद आज DLB पवन अरोड़ा आज नगर परिषद दफ्तर पहुंचे और